महानगर में एकत्रित किए जाने वाले कूड़े के निस्तारण हेतु एकला बंधा पर कूड़ा गिराने के विरोध को देखते हुए नगर निगम द्वारा शुक्रवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के निर्देश पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं पीएसी के जवानों के साथ नगर निगम प्रवर्तन दल के जवानों के सहयोग से एकला बंधे पर सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, एसडीएम अरुण सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला और मुख्य इंजीनियर सुरेश चंद एवं नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद बनी सहमति के बाद बंधे के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रकों के और कॉम्पेक्टर मशीनों द्वारा कूड़े का निस्तारण कराया गया। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा बंधे पर साफ सफाई किया गया, साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव एवं डस्टिंग का कार्य और सैनिटाइजेशन कराया गया, जिसके संबंध में एसडीएम कैंपियरगंज अरुण सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत कर समस्या के समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीनों में नगर निगम के सहजनवा क्षेत्र में बन रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू होते ही महानगर का कूड़ा निस्तारण कराया जाएगा। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, कर्नल सीपी सिंह, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सफाई निरीक्षक एसएस गुप्ता, महेश चंद एवं विंध्याचल सहित पुलिस और पीएससी के जवान और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम कैंपियरगंज अरुण सिंह ने कहा, जो हमने गांव वाले कूड़ा गिराने से रोक हमें कूड़ा गिरवाना है, एसडीएम साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए और जो अपने मेगाफोन नहीं बात होती है, जब तक प्राथमिक कुमार जब तक एसडीएम साहब कुछ बोलते हो हमें अगर कुछ लोग बिना उनके आदेश एसडीएम साहब बोलते नहीं तब तक कोई तब तक हम लोग खेल जो भी गाँव वाले खेल उनको रोकना है उनको हम लोग करना आएगा नहीं अंदर हम लोग पानी पी लो रिलैक्स हो लो माँ सबका सब गुजर हम
दूसरे वाली। हम लोग के साथ क्यों सर अन्याय कर रहे हैं आप लोग? उसका निस्तारण है ना, उसके लिए मैंने आयुक्त साहब से भी बात किया, डीएम साहब भी हमारे पास फोन किए। यहाँ पे यहाँ निदान के लिए मैं ये कह रहा हूँ ना, नवंबर तक का वो ये बताइए सर, जब 3 किलोमीटर इधर 200-300 मीटर 8 लेन बनाया जा रहा है, 8 मीटर मतलब कि चौड़ा, 8 लेन 300 मीटर चौड़ा, और उधर बरह फिट का रहेगा, यहाँ नगर निगम की जमीन भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ मरी मरी गाय आप लोग देखी रहते हैं कि यहाँ पे मरी मरी गाय फेंक दे रहे हैं। हम लोग जब सड़ता है सर ना, हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं, न तो चैन से खा पाते हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अचानक जो है कोई वहाँ पे आपको पता है कि सिकनी में जमीन ली गई है आदमी पे एक मिनट बाद हम काट करके कर रहे हैं, फिर आप अपनी बात बता वहाँ ली जा रही है लगभग दूसरा आपके पास नहीं सर, मैं निदान के लिए आपसे रास्ता निदान की बात थोड़ा बिना मास्क वाला हटाइए दूरी पे किया जाएगा, उससे हम आगे कराएंगे। लगातार आप देख रहे हैं, लगातार जब से हम देख रहे हैं अभी जल्दी से पूरा सर्कल भी कराया था, छिड़काव भी करा दिया गया है। आपसे मैंने ये कहा था कि जो भी और सहयोग चाहिए वो भी हम करते रहेंगे, लेकिन अगर एक है कहीं पर रोक दिया जाएगा, कोई विकल्प उसका नहीं बनाया जाएगा, दिक्कत होगी ना उसके बाद। इधर 300 मीटर चौड़ा है क्या, उधर बरह फिट रहेगा? आप बात तो सुन लीजिए, जितनी सब तो पार्टी है ना, ये बता रहे हैं कि जहाँ तक गाड़ियाँ इनकी जाएंगी उधर गिराएंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो वो पोल है बिल्कुल उधर गिरवाइए, जल के दिखाइए ना, वगैरह वगैरह जानवर की समस्या में बताइए कि जानवर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कैसे नहीं आएगा जानवर नहीं आएगा। अब क्या प्रॉब्लम? तीसरी बात कि ये नवंबर में अभी ये अभी हम प्रजा साहब हमारे साथ में कैंपियरगंज में, मैं एसडीएम कैंपियरगंज, ये उस समय एक्विजिशन वाली सारी कार्रवाई इन्होंने जो सुतनी प्लांट की है वो किया, वो नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तो जब पूरा हो जाएगा और अचानक जो है आज है हमारा जुलाई, तो ये 4-5 महीने की जो बात है, इसमें हम अभी पूरा वो हम एक्सटेंड करने को हम तैयार हो गए, हम जानवर नहीं फेंकने को तैयार हो गए, तो अब क्या प्रॉब्लम? इसी सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का नाम है कि आबादी, अरे मैं समझ गया आपको, से क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ तो उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, अभी इतनी बड़ी फोर्स लगी है सर, इधर से जाएंगे, इधर मारो, इधर मारो, कम से मारो। चलिए हम ये शहर का कूड़ा विगत कई वर्षों से यहाँ पे गिराया जा रहा है, और इन लोगों का ये कहना है कि थोड़ा इधर प्रदूषण की वजह से यहाँ ना गिराया जाए, आबादी से दूर गिराया जाए, तो आबादी से दूर ही गिराया जा रहा है, यहाँ पे जितनी आबादी से दूर कूड़ा गिराया जाना संभव है वहाँ हमारी गाड़ियाँ गिरा रही हैं। रही बात उसके प्लांट की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की, तो इसके लिए ज़मीन एक्वायर कर ली गई है और वो कार्रवाई हमारी नवंबर तक पूरी हो जाएगी, तो नवंबर के बाद ये इशू यहाँ का भी नहीं रहेगा। अभी फिलहाल सारी सफाई की व्यवस्था को देखते हुए, वहाँ पर सैनिटाइजेशन को देखते हुए भी शहर का कूड़ा आबादी से जितनी दूर संभव है उतना गिराया जा रहा है। सर आसपास के लोग भी आते हैं, उसको क्या समझाया गया है, कब तक उनसे टाइम दिया? मैंने जैसे बताया ना कि नवंबर तक हमारी वो कंप्लीट हो जाएगा जो प्लांट है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। गीडा के बगल में ज़मीन एक्वायर की जा चुकी है और लास्ट स्टेजेस में है उसके तैयारी के, उसके बाद ये दूर शहर से वहाँ चला जाएगा, लेकिन फिलहाल भी अभी आबादी से दूर ही है और कूड़ा वहीं पे गिराया जा रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है।